हमारे पास ये डीयू कंपनी का बोर्ड है जिसमें प्रॉब्लम ये है, ये ऑन होते टाइम एंड्रॉइड पर हैंग हो जाता है। इसको ऑन करके देखेंगे हम। यहाँ पर आकर हैंग हो जाते हैं एंड्रॉइड पर। इस बोर्ड को हम रिकवरी करने वाले हैं IrCom-35 के जरिए। कनेक्शन कर लेंगे बोर्ड में Rx Tx ग्राउंड। बोर्ड में हमारा कनेक्शन हो गया है, अब IrCom-35 में कनेक्शन कर लेंगे Rx Tx ग्राउंड। हमारा तीनों कनेक्शन हो गया है, अब IrCom-35 को ऑन कर लेंगे। प्रेस करेंगे मेन्यू ब्लू येलो ग्रीन रेड फिर से ग्रीन। अब हमारे बोर्ड में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो मीडियाटेक सेलेक्ट करने के लिए 3 प्रेस करेंगे। बोर्ड को ऑन कर लेंगे। स्टैंड बाय कर लेंगे। इस बोर्ड में रिकवरी में जाने के लिए कंसोल मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट 5 प्रेस करेंगे। अब इसमें वाइप ऑल डेटा करना है, फैक्ट्री रीसेट। तो हमारे पास बोर्ड का रिमोट नहीं है, तो हम इसको IrCom-35 के ज़रिए करेंगे। ब्लू बटन से पहले एग्ज़िट कर लेंगे। प्रेस करेंगे मेन्यू ब्लू येलो ग्रीन रेड और फिर से येलो। अब इसमें कौन सा रिमोट वर्क करेगा उसके लिए हम ऑल रिमोट पर वॉल्यूम माइनस सिग्नल भेजेंगे। मैं 13 से 15 के बीच में कोई रिमोट चलाए। तो हम चेक करेंगे 13 से 15 के बीच में कौन सा रिमोट चलाए। उसके लिए हम अप डाउन के लिए रेड और ग्रीन यूज़ करने वाले। वॉल्यूम प्लस दबाएंगे। तेरा नंबर रिमोट चल रहा है हमारा इस बोर्ड में। अब वाइप ऑल डेटा कर लेंगे।
पे प्रेस करेंगे, यस करेंगे। अब वाइप कैश डेटा करेंगे, यस करेंगे। अब सिस्टम रिबूट कर देंगे ओके प्रेस करके। ये बोर्ड हमारा बूट एनिमेशन पे हैंग था, तो हमने IrCom-35 के ज़रिए इसको रिकवरी किया। और हमारे पास इस बोर्ड का रिमोट भी नहीं था, तो हमने IrCom-35 के ज़रिए ऑपरेट किया और बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। अब